morning friends, class 4 subject moral and lesson number 1, which name is gift of the poem, yani kavita ka tohfa, iska meaning kya hai, kavita ka tohfa. To jo lesson aapko review karna hai, aur main ek side aapko bata deta hu, to ek side mein pehla question hai, multiple choice question, isme jo pehla question hai, who is Rabindranath Tagore. To jo is kavita mein Rabindranath Tagore ek poem, to humne yahan par एक कर दिया ये वर्ड है उसके बाद है टू माय कंट्री विल बिकम ए इट्सेल्फ यानी मेरी कंट्री अपने आप में बन जाएगी क्या बन जाएगी हेवन हेवन मींस होता है स्वर्ग ठीक है ना तो यहां पर यानी कहने का मतलब ये है कि मेरी कंट्री अपने आप में स्वर्ग बन जाएगी थ्री है हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर यानी साहित्य में किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ ने क्या था उसको हमने टिक कर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है द पोएट डिजायर आइडियल परफेक्शन और हिज तो इसमें है बच्चों मदरलैंड ठीक है ना आगे आता है क्वेश्चन नंबर बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए जैसे नंबर वन क्वेश्चन है बाय विच वाज द पोयम माई हेवन कंपोज यानी जो पोयम है माई हेवन वो किसके ऊपर कंपोज की गई इसका आंसर है बाय रविंद्रनाथ टैगोर बाय द पोयम माई हेवन कंपोज यानी ये पोयम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज की गई आगे है टू व्हाट इज द पोएस्ट विजन ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टूपी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ही वांट्स हिज कंट्री टू बी फ्रीलेस फियरलेस सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ रेस्पेक्टिंग एंड फ्री फ्रॉम नैरो लॉयल्टीज ठीक उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 हुम डज द पोएट Whom does the poet address as my heaven in the poem? So, क्या हो जाएगा इसका आंसर? The poet addresses his country as my heaven in the poem. हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है What does the poet desire for his country? इसका आंसर है The poet desire आइडियल परफेक्शन फॉर हिज मदरलैंड द पोएट डिजायर आइडियल परफेक्शन फॉर हिज मदरलैंड उसके बाद देखो जो फाइनल क्वेश्चन है तो छोड़ देना है आपको ठीक है सी वाला है टू गोल्स ठीक तो सी टू गोल्स देखने हैं जैसे नंबर 1 है हमारा द पोएट कंपेयर्स द डेट हैबिट्स विद द डिजर्ट बच्चों ये है हमारा फोर्स और सेकेंड है इफ द विशेस ऑफ द पोएट आर फुलफिल्ड आवर कंट्री विल बिकम ए हेवन ऑन द अर्थ ये टू फिर ये हमारा द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए ट्रू पोएट ये है हमारा ट्रू यानी जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे वो एक ट्रू पोएट ठीक है ट्रू पोएट उसके बाद है फोर द पोएट डज नॉट डिजायर द इंप्रूवमेंट ऑफ द मोरल ऑफ द मोरल कैरेक्टर्स ऑफ द कंट्री मैन ये क्या हो गया फोर से फाइव है द पोएट डज नॉट थिंक दैट Selfishness has broken the world into fragments. ये भी हमारा क्या बच्चों? यहाँ तक सभी को